इतिहास से जुड़ी कोई ना कोई कहानी कहती है पेंटिंग्स परंपरागत चित्रकारी का अनूठा उदाहरण है। भारतीय चित्रकारी में नींव का पत्थर परंपरागत चित्रकारी के विधा में आधुनिक युग में भी कई कलाकार काम कर रहे हैं। इसमें मटेरियल जो है वो उस वक्त जो इस्तेमाल होता था, एक तो उसको इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि पेपर भी उसी किस्म का, जो सपोर्ट है वो भी उसी किस्म का हो, तो ताकि उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे और उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी वैसे किस्म का आज आता रहे। परंपरागत चित्रकारी में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का काम होता है। चित्रकारी की इस विधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9वीं अखिल भारतीय परंपरागत कला प्रदर्शनी का आयोजन ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली ने किया है। ये पुराने मतलब हमारे मुगल आर्ट में, कांगड़ा आर्ट में ये लोग प्रेवेलेंट थे, ऐसा काम होता था, लेकिन आधुनिक युग में इसका जो प्रयोग था वो कम हो गया था। इसको प्रोत्साहन करने के लिए हमने 15 साल पहले सोचा कि कलाकारों का कंपटीशन किया जाए ताकि वो लोग काम कर सकें, और स्पर्धा से काम जो होता है उसमें काम अच्छा हो जाता है, तो उनको रिकग्निशन देने के लिए हमने अवार्ड्स अनाउंस करे। भारतीय चित्रकारी जैसी पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं की भावनात्मक अभिव्यक्ति किसी और देश की चित्रकारी में नहीं पाई जाती है। अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई इन सभी पेंटिंग्स में एक खास बात है, इनकी ताजगी। वाटर कलर जैसे मुश्किल माध्यम में बनाई गई ये पेंटिंग्स जीवंत प्रतीत होती हैं। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने 11वीं अखिल भारतीय वाटर कलर प्रदर्शनी आयोजित की है। मास्टर्स मीडियम कहे जाने वाले इस माध्यम का प्रचलन आजकल थोड़ा कम हो गया है। इस मीडियम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी चल रही है। वाटर कलर में जो होता है, नेचर होती है, नेचर का ट्रीटमेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं, और यही आर्ट जो है हम इनको आगे चलाना चाहते थे, इसलिए हमने ये कलाकृतियाँ लेके उनका संचय किया, फिर चयन किया, फिर उसके अवार्ड्स दिए। और आज ये हालत है कि पहले ये होता था कि हमारे को कृतियाँ मिलती नहीं थी एग्जीबिशन के लिए, आज इतनी मिलती हैं कि हमें सोचना पड़ता है कौन सी लगाएं कौन सी ना लगाएं। पारदर्शी माध्यम वाटर कलर पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, इसमें कागज पर ब्रश का कमाल और रंगों के सम्मिश्रण की सीधी पहुंच होती है। रेस्पेक्टेबल मीडियम के हिसाब से लिया नहीं जाता है आजकल, और वो भी मैं समझता हूँ उसमें कुछ हैंडीकैप है। आजकल बहुत से मीडियम चल पड़ा है, ऑयल तो है ही, तो उसमें जो सब फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, वो नहीं है। मगर इस मीडियम में कुछ ऐसा अपना कुछ क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो लाजवाब पेंटिंग्स बन सकते हैं। इस प्रदर्शनी में कई कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस तरह के आयोजन से वाटर कलर पेंटिंग्स की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इस माध्यम में नए कलाकारों और नए प्रयोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।